नानी माँ दादी माँ के किचन में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग को थैंक यू बोल रही हूँ, इतनी अच्छी अच्छी कमेंट आप लोग कर रहे हैं। आज मैं राजमा और अंडे की कढ़ी बनाने जा रही हूँ। ये मेरी राजमा है, इसको रात में मैं पानी में डाल दी थी, एकदम अच्छे से फूल गया है। ये 3 अंडा, आप जितना चाहें उतना अंडा ले सकती हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट, तन मखाने की पाउडर, लाल मिर्च, कटा हुआ टमाटर, हल्दी, गरम मसाला, नमक, हाँ देखिए मैं अपना कुकर चढ़ा दी हूँ। इसमें तेल डाल लीजिए सरसों की, उसके लिए धोकर ये धोकर मैं तेजपत्ता डाल दे रही हूँ। लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्च, नमक, नमक अंदाज से, तन मखाने की पाउडर, एक कटा हुआ टमाटर, सब एक साथ डालकर मसाला भून लेना है। तो अच्छे से इसको भून लेना है। ये देखिए मेरा मसाला भून गया, तेल भी छोड़ दिया ये मसाला। अब इसमें राजमा डाल दीजिए, राजमा थोड़ा भून कर इसमें पानी पड़ेगी अभी। ये राजमा भी मेरा भुजा दिया और इसमें पानी डाल दे, एक गिलास पानी डालना है। पानी डाल दिया मैंने, अब इसको ढक्कन लगा देंगे 10 से 8 मिनट तक, या 10 से 8 मिनट में राजमा गल जाएगी। राजमा जब तक मेरा तैयार हो रहा है तब तक अंडे को आप इस तरह कर लीजिए। एक गिलास से आप इस जर्दी को ढक दीजिए, ढककर इसकी सफेदी निकाल दीजिए। पहले लोग जर्दी को ही ताकत मानते थे, अब सफेदी को लोग ताकत मानते हैं। पहले बड़े बूढ़े लोग जर्दी ही बोलते थे खाने को। ये देखिए मेरा थोड़ा और निकाल देते हैं। एकदम अच्छे से इसकी सफ़ेदी निकाल दीजिए। ये देखिए हम निकल गई पूरी जल्दी से बची हुई है। मैं 3 अंडा ली हूँ, आप जितना चाहें उतना ले सकती हैं। दूसरे अंडे को भी इसी तरह कर लीजिए।
इसको भी इसमें डाल दीजिए, एकदम अच्छे से सफ़ेदी निकल जाए। देखिए ये अच्छे से नहीं निकला है, ये देखिए मेरा जर्दी अलग हो गई और सफ़ेदी अलग हो गई। सफ़ेदी में आप नमक मिला लीजिए, मिलाकर एकदम अच्छे से फेंट लेना है इसको। ये पूरा फेंट लिए मैंने, इसमें पूरा नमक मिल गया। अब इसको दूसरे कटोरी में आप उछल लीजिए। एक बर्तन में पानी ले लीजिए, पानी गैस ऑन करके रख दीजिए, इसमें ये कटोरी रख दीजिए और इसको इसको ढक्कन से ढक दीजिए। देखिए ये मेरी सफ़ेदी तैयार हो गई। इस तरह से करना है इसको, और मैं गैस बंद कर दूँगी। ये देखिए ये मेरा सफ़ेदी अंडे की इस तरह से होगी। इसको पीस पीस आप काट लीजिए। ये पीस है इसका, ये देखिए ये पीस पीस इस तरह से काट लीजिए। आप चाहें तो जितना भी अंडा ले सकते हैं। मैं इसका ये बना दी हूँ और इसको ये राजमा भी मेरे तैयार हो गया। अब इसमें आप ये जर्दी जो निकाल कर रखी है उसको डाल दीजिए। ये जल्दी देखिए ये डल गया, जल्दी टूटना नहीं चाहिए जल्दी। अब इसको ऊपर से एकदम धीमे आंच करके ढक्कन लगा दीजिए। ये अंडा जो डाले थी मैं, देखिए ये हो गया। अब इसमें आप ये सफ़ेदी डाल दीजिए, जो अंडे की सफ़ेदी है उसको डाल दीजिए। इसको डाल के अच्छे से मिला दीजिए। देखिए मिल गया। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। सब्जी मेरी तैयार हो गई कड़ी। अंडा राजमा का कड़ी तैयार हो गया। अब इसमें आप धनिया पत्ती डाल दीजिए। आपको पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ।